सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार संस्कार। बात के लिए नंदिनी पे इल्जाम लगाना प्लीज बंद करो। नहीं, नहीं। अब जो फैसला होगा वो सिर्फ कोर्ट में होगा, कोर्ट में। कोर्ट में तुमसे पूछा जाएगा कि ये लड़की कहां से आई है, इसके परिवार वाले कौन है। तो बेटा तुम्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सोच लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो कहती है इसे कुछ भी याद नहीं। मेरे पास कहां है पैसे? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जाओ, जाकर अपनी भाभी के सामने हाथ फैला। उससे कभी नहीं। वैसे एक बात कहूं, आप कल मुझे ही क्यों नहीं राखी बांध देती? आपको एक भाई भी मिल जाएगा और मुझे एक बड़ी बहन भी। सच? नंदिनी और रवि ने शादी तो कर ली, पर उन दोनों के बीच अब भी दूरियां कायम है। लेकिन क्यों? शादी से पहले रवि एक बार अगर ऑफिस से घर आता था तो बस बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता था। By chance ऑफिस से फोन आ गया तो जाने के लिए साफ मना कर देता। क्या हुआ? काम हो गया। आंटी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। गुड। प्रकाश, अब तक ऑफिस में हो? गुड। रवि अभी ऑफिस आ रहा है, वो तुमसे पूछेगा टेंडर के बारे में। तुम उसे कहना कि टेंडर भरने की आखिरी तारीख कल नहीं है, तुमसे गलती हो गई, माफी मांग लेना उससे। उन दोनों के बीच में दूरियां हैं, ये दूरियां मैं कभी कम होने नहीं दूंगी। बेचारी नंदिनी, कभी सुहागरात मना भी पाएगी या नहीं? मैं उस लड़की को कोई भी खुशी नसीब होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे लिए चाय लाया था। आप? लेकिन आप क्यों लेकर आए? नंदिनी, सच कहूं तो कल रात को जो कुछ भी हुआ उस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, इसीलिए मैं। माफी किस बात की? आपको काम से जाना था, जाना जरूरी था, आप चले गए। काम तो था ही नहीं, अकाउंट्स में एक छोटी सी गलती थी और खामखा मुझे ऑफिस बुला लिया गया। एनीवेज, सच कहूं मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए चाय बनाई है। अब आप चाय पी के बताइए कि चाय पीने लायक है भी या नहीं। बहुत अच्छी। सच्ची? नॉट बैड। कुक बन सकते हैं। एनीवेज, आई एम सॉरी फॉर यस्टरडे नंदिनी। संस्कार,
संस्कार, तुम्हारा क्या? थैंक यू भैया, मेरा गिफ्ट रखा है ना? सेकंड शर्मी, एक सेकंड। पानी कब से आया? आप मुझे राखी नहीं बांधेंगी? मैं आज बहुत खुश हूं निशा। जानते हो, नंदिनी हमेशा से चाहती थी कि उसका भी एक भाई हो। थैंक यू। क्या बात है? ये मेरी तरफ से। थैंक यू। ये सब बाद में, मैं भी आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ।
ऐसा कर रहे हो निशित? मैंने तो तुमसे उस दिन का बदला लिया। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे राखी बनवाऊंगा, तुम्हें अपनी बहन बनाऊंगा? निशित, खबरदार अभी मेरे बेटे पे हाथ मत उठाना। ठीक ही तो है, शायद मेरी किस्मत में ही भाई का प्यार नहीं। अगर सुन भाई, अपने नसीब को क्यों दोष देती है? हाँ, ऐसा भाई तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। अरे रक्षाबंधन के दिन राखी को जलाता, देख लेगा तुझे भगवान। हम पे हुक्म चलाना चाहती थी, देख लिया तुमने। इस घर में किसका हुक्म चलता है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। मेरे बेटे को राखी बांधना चाहती थी। सुन भाई, तू रो मत, तू राखी जरूर बांधेगी, तू चल मेरे साथ, तू जरूर राखी बांधेगी आज। सुन भाई, इनको राखी बांध लो। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? हम कहते हैं ना कि त्वमेव हो माता पिता, त्वमेव हो बंधु सखा, त्वमेव हो सब कुछ तो है हमारे ये। मैं भी बचपन से इन्हें ही राखी बांधती हूँ, तुम भी बांधो, ये हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, है ना? नहीं सुन भाई, नहीं, जो हमें जिंदगी देते हैं, जो हमें खुशियां देते हैं, उनको तोहफे की जरूरत नहीं होती है। रवि बेटे को कहना कि इसे लौटा दे। हाँ नहीं लक्ष्मी आई, इसे मैं वापस नहीं करूंगी, कि जब जब मैं इसे देखूंगी ये मुझे याद दिलाएगी कि
रिश्तों के जज्बातों में बहने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। I'm sorry, Nandini. I'm really sorry. नहीं रवि, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं, मैं तो खुश हूं। मैं इंसानों से रिश्ता जोड़ने चली थी, मेरा रिश्ता तो भगवान से जुड़ गया। मिस्टर गायकवाड़, पापा ने आपका केस स्टडी कर लिया है और मुझे डिटेल्स भी दे दी हैं। मैं आज ही उसकी ब्रीफिंग करके फिर आपको पढ़ने के लिए दे दूंगी। ओके सर, गुड डे, थैंक्स। हाय नैना। हाय रवि। तुम ऑफिस से लौट रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। आज सुबह से मन बहुत खराब है नैना, तो सोचा कि तुमसे मिलूंगा, तुमसे थोड़ी देर बात कर लूंगा तो हमेशा की तरह मेरा मन हल्का हो जाएगा, इसलिए आ गया। नैना, आज नंदिनी बहुत खुश थी, आज रक्षाबंधन है। नंदिनी को लगा कि निशित के रूप में उसे एक भाई मिल गया है, पर नंदिनी मेरे परिवार के लोगों को जानती नहीं है। उसे क्या पता था नैना कि मेरे परिवार के लोग रिश्तों के मायने नहीं समझते हैं, और सच कहूं तो उनमें से मैं भी तो एक हूं, इसलिए आज नंदिनी के लिए बहुत बुरा लगा नैना, बहुत बुरा लगा। नैना, हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तब से तुम कहां खोई हुई हो? रवि, तुम रोज रोज मुझसे मिलने मत आया करो। तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस में ना आया करो। पर क्यों नैना? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नंदिनी हमारे रिश्ते को गलत समझे। क्या हो गया तुम्हें नैना? मैं नंदिनी को अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी हम दोनों के बारे में ऐसा कुछ सोच ही नहीं सकती। नंदिनी अच्छी तरह जानती है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं। हम दोस्त हैं रवि,
पर उस दिन जब नंदिनी की आंखों में मैंने एक उलझन देखी थी, और वैसे भी रवि, पति पे सबसे पहला हक उसकी पत्नी का होता है, ना कि उसकी दोस्त का। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं किसका क्या हक होता है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह जानती हो ना नैना, कि नंदिनी मेरी पत्नी नहीं है। रवि, ये बात तुम जानते हो, मैं जानती हूं, लेकिन नंदिनी तुम्हें अपना पति मानती है। क्या हो गया तुम्हें नैना, क्यों बात को कहीं और लेके जा रही हो? रवि प्लीज, अगर नंदिनी की जगह मैं होती तो मैं भी इसी तरह रिएक्ट करती। क्या हो गया है तुम्हें नैना? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये बात हम जानते हैं ना, और कोई हमारे बारे में क्या सोचता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नैना। फर्क पड़ता है रवि, हम दोनों दोस्त हैं ये सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में तुम एक मर्द और मैं एक औरत हूं, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें गलत समझे। नैना क्या हो गया तुम? इसीलिए रवि, तुम रोज रोज यहां मत आया करो। यशो, आई एम श्योर। ठीक है, नहीं आऊंगा रोज रोज यहां पे। छवि कोई तो है जो तुम्हारे कमरे में गया था। कौन? नंदिनी। हर मंगलवार और बुधवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD1 पर संस्कार।